तेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। So thank you very much everyone for turning up. The bonfire set ready to go and we've got Maulana Sahab here. We've requested him to do a discussion with us. So I'm going to introduce him. Maulana Sahab, please take it away. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Same thing happened with me as कोई सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं। सलाम का जवाब देना वाजिब है मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से अपोलोजीज टू इंटरप्ट योर एंटरटेनमेंट। और इस वक्त लेकिन एक अच्छा इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा माइक की शॉर्टेज है, तो मैंने इनसे कहा कि माइक अरेंज होता तो अच्छा था, बिकॉज हम थोड़ा सा ढूंढ रहे थे, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं है पोर्टेबल माइक, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा चुप रहना पड़ेगा ताकि मैं बोल सकूं। और दूसरा, किस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो एक दफा वो ख्याल आया, वो जो रमजान के एंड में मोजेज और फिरौन का डिस्कशन था, तो वो चल ही रहा था, तो अभी उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था, सुना तो उनको अच्छा लग रहा था, हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने घर चले गए, फिरौन की भी मम्मी बन गई, वो भी खत्म हो गया। तो एक डिस्कशन आप लोगों का हुआ था एक और रिस्पेक्टेड स्कॉलर से, और वो था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और फिर डिवाइन जस्टिस, और आई थिंक इट वॉज फ्रूटफुल। तो थोड़ा सा उसी को टच बेस करके थोड़े सादा सी बात करेंगे, बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको थका दूं। एक क्वेश्चन अगर मैं स्पेशली आप यूथ से कर सकूं, एक बहुत ही बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही फर्स्ट, जो पहला ही सवाल किसी भी एथिस्ट की तरफ से आपको एक चैलेंज आता है या आपके दिमाग में सवाल आता है, वो ये है कि इफ गॉड एग्जिस्ट व्हाई कांट वी सी हिम। इसका क्या जवाब है आपके पास? क्या आप कहते हैं, आप सोचते क्या है कि अल्लाह ताला है नहीं है? अगर है तो हम देख क्यों नहीं सकते? कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? कैसे चुप रहेंगे जैसे अभी है? कहेंगे आप तो ठीक कह रहे हैं। जी माशाल्लाह। हाँ, सो कैन, व्हाई आर यू लाफिंग? अच्छा अच्छा एनीथिंग फ्रॉम गर्ल्स? कोई आप कहना चाहे, आपके जहन में कोई जवाब है ऐसा कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप जिस गॉड पे बिलीव करते हैं वो आपको नजर ही नहीं आता, तो हाउ डू यू बिलीव ऑन दैट गॉड, तो आप क्या कहेंगे? मैं चूंकि उर्दू में कंफर्टेबल हूं तो आई एम स्पीकिंग इन उर्दू, आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। यप। हाँ, तो अगर कोई कहेगा ओके मैं फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे कोई नजर तो आए, मुझे कोई नजर आएगा तो मैं इसको मानूंगा, व्हाई शुड आई बिलीव ऑन दैट थिंग व्हिच आई कांट सी? बट यू कैन फील इट, यू कैन फील, कैन यू फील द गॉड? वाओ, रियली, इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। सही बात है, सही कह रहे हैं। नहीं, एक विंड की एग्जांपल दी जाती है, मैं इससे एक और एक आपको एग्जांपल देता हूं, बिकॉज समटाइम्स जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं ना, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, उसमें बहुत ज्यादा आपके पास ये टाइम नहीं होता कि आप कोई लंबी डिबेट करेंगे। यूजुअली यू आर हैविंग अ कॉफी अपने क्लासमेट से, अपने जो है वो अपने ऑफिस मेट के साथ आप बैठे हुए हैं, ट्रेन में हैं, और आपके पास एक बहुत ही लाइट कन्वर्जेशन हो रहा होता है। उस लाइट कन्वर्जेशन में आप इतना मौका नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके कोई फिलोसफिकल आर्गूमेंट्स को देंगे, तो उसके लिए सिंपल आपके पास कुछ एग्जांपल्स होनी चाहिए टू सेटिस्फाई योर सेल्फ, इनर सेल्फ, और सामने आप भी जवाब दे सके। आई थिंक इसके लिए एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, विंड से भी ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल है। व्हाई? जी फारिस, एक तो हर जगह है, देन कॉन्स्टेंट है, सही बात है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की एग्जाम्पल इसलिए भी अच्छी है कि विंड में आपको कम से कम फील होती है विंड, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको बिल्कुल ही फील नहीं होती,
आपके किसी भी सेंस से, जो सिक्स सेंस है इंसान के या फाइव सेंसेस है, उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको ना आप उसको चख सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो वो क्यों है, उसका क्या प्रूव है कि वो है, जबकि वो यू कैन नॉट सी फोर्स ऑफ ग्रेविटी. आपने हाथ उठाया था बेटा. यह हाउ एब्सोल्युटली. सो व्हेन यू थ्रोइंग द बॉल अप, सो व्हाई कांट इट गोज अप एंड अप, तो इट कम्स डाउन ना. इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स है. और ये पूरा जो सिस्टम है एक्चुअली खाली ये हमारे प्लेनेट की बात नहीं है, पूरा जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, वो अगर उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना हो तो सारे प्लेनेट एक दूसरे से क्रश कर जाएंगे. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आप समझते हैं उसके आसार से. उसके आसार का मतलब होता है उसके रिजल्ट से जो आप देख रहे होते. तो दैट मीन्स यू बिलीव ऑन अ थिंग विच यू कैनॉट टेस्ट, यू कैनॉट सी, यू कैनॉट हेयर, यू कैनॉट टच, बट स्टिल यू बिलीव बिकॉज के उसके कुछ इंपैक्ट्स ऐसे हैं कि जो इंपैक्ट्स आपको बताते हैं कि देयर इज समथिंग. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाई वी बिलीव इन गॉड. के हम गॉड को देख नहीं सकते, उसको हम डायरेक्टली सुन नहीं सकते, बट उसके कुछ इंपैक्ट्स हैं ऐसे. वो इंपैक्ट्स आपको ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि देयर हैज टू बी समवन हु इज रनिंग दिस सिस्टम. एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे ही आपने गॉड की बात की तो एक और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा. पहला क्वेश्चन ये होता है कि वो नजर नहीं आता अल्लाह. दूसरा क्वेश्चन ये आएगा फौरन ही कि अगर अल्लाह है तो ये इतने अर्थक्वेक्स क्यों हो रहे हैं, इतने लोग क्यों मर रहे हैं, इतने फ्लड्स क्यों आते हैं, इतने सारे तबाही क्यों होती है, उसका क्या जवाब है. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है. तो अगर कोई गॉड होता तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता. इसका एनीथिंग यस. हाँ जी, इट्स अ टेस्ट. तो अगर कोई आपसे ये पूछे सामने से कि अल्लाह ताला को क्यों जरूरी है कि आपका टेस्ट ले, इतने सारे लोग मर जाएंगे. ये So kind of angry God? No, like God is like showing this power, like yep. Achha, it's not only boys discussion. आप ये कुछ बोलना चाहें तो anything from you? Girls वैसे ज्यादा समझदार होती हैं. बस कोई एक तो laughter आया अच्छा सा कोई क्योंकि तारीफ girl. तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है YouTube पे आपको मिलेगा, हर जगह आपको बात पे होते हुए मिलेगी कि इफ गॉड एग्जिस्ट ये सारी नेचुरल डिजास्टर क्यों है. अच्छा एक ठीक है, ये सारे बात अपने अपने जगह पे ठीक है. इसका एक सिंपल सी बात ये भी, इसका आंसर ये भी हो सकता है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसका जो नेचुरल फिनोमिनल सिस्टम जो खराब किया है वो वी आर ह्यूमन बींग्स जिन्होंने हमने खराब किया. जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, कि जो आपको सी और लैंड में जो डिस्ट्रक्शन है वो ह्यूमन बींग्स के अपने कामों की वजह से. तो आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से फ्लड्स हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें. तो इस बहुत सारी उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो खुद हमारी तरफ वापस पलटती हैं, गॉड के लिए नहीं. और यहां से हम अपनी एक दूसरी बात पे जाएंगे और बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम इसको शॉर्ट करना चाहेंगे कि इसीलिए जब आप इस्लामिक वे में किसी भी गॉड के तस्वर को माने तो आपको उसके साथ साथ डे ऑफ जजमेंट को मानना पड़ेगा, अदरवाइज दैट गॉड इज इनकम्प्लीट. ये आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, योर बिलीव इन गॉड इज इनकम्प्लीट इफ यू डोंट बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट. ये इंटरलिंक्ड है आपस में, बिकॉज कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस दुनिया में मर जाते हैं, उनको कोई उन पर जुल्म होता है, उनका कोई हिसाब नहीं होता. तो अगर गॉड है और वो जस्ट है
तो ये हो नहीं सकता कि कोई और वर्ल्ड वो ना रखे जहां पर सारा हिसाब किताब जजा सजा का यानी जन्नत जहन्नम वगैरह का हो। अगर खाली यही दुनिया है, नथिंग, इसके बाद कुछ नहीं है, देन मैं आपसे खुद ये कहूंगा कि मेरा जो है वो गॉड पर जो बिलीफ है वो डाउट में आ जाएगा कि बिकॉज ये कैसा गॉड है जिसने खाली एक ऐसी दुनिया बना दी कि जिसके बाद कुछ है नहीं। तो आए थे हम कि यहां खाली इसलिए कि कुछ जालिम जुल्म करें, कुछ मजलूम जो है वो जुल्म सहते रहे, उसके बाद चले जाओ, खत्म, दैट्स इट, कुछ भी नहीं आगे। तो अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं हमारे या नेक्स्ट उस पे थिंकिंग पे जाएं कि आपको ये लगता है कि लाइफ डेथ के बाद भी कोई लाइफ है, व्हाई डू वी बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, उसकी क्या आपके पास लॉजिकल रीजन है? अगर कोई ये मुझे पता कोई आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए कि आपसे लोग जो है वो जो आजकल नॉर्मल डिस्कशन होता है वो ऐसी चीजों पे तो कोई होता ही नहीं है, वो कभी कभी कोई ऐसी बात आ जाती है, लेकिन आपके अंदर तो सवाल आ सकता है शायद। आजकल लेटेस्ट मूवी कौन सी चल रही है भाई? हाँ, आपको खुद नहीं पता यार, कैसे यूथ हैं आप? हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर स्ट्रेंज, जो बच्चा अब तक खामोश बैठा हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम आ रहा, चीख पड़ा सही। गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, ही इज स्माइलिंग माशाल्लाह। तो डॉक्टर स्ट्रेंज में क्या है भाई, कुछ यही बता दे, चलिए ये डिस्कशन आगे कर लेते हैं। अगर कोई शरीफों वाली बात है तो बताइएगा। ओके, यू वांट टू टेल, यस प्लीज, को क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों उसको रोक रहे हैं यार? स्पॉइल कर देगा, ओ माय, अच्छा क्वेश्चन है, ऑनलाइन ऑनलाइन एक क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन का आप अगर कोई जवाब दे सकें कि अगर हम ये कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के अपने काम की वजह से, तो देन व्हाई डू वी बिलीव कि अल्लाह सुब्हानहु तआला इज एंग्री? जब हम नेचुरल डिजास्टर को देखते हैं हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु तआला इज एंग्री ऑन अस, इसलिए नेचुरल डिजास्टर है, जबकि जी आप या डॉक्टर स्ट्रेंज, so many people die and don't make it out of there. Yeah. And it's called a natural disaster. So it's you know, it's by nature. Yeah. And yeah, that's what, and they think that Allah would be causing it since he can control everything. Yep. That's why. देखिए एक बात ये है कि natural disaster एक कोई भी वाकया कहीं पेश आता है, कुछ भी चीज होती है, इंसिडेंट होता है कोई, दैट डजंट मीन के उसके एक ही रीजन है। उसका एक रीजन ये भी है कि हमने कुछ नेचर के साथ गलत किया है, और उसका एक रीजन ये भी है कि अल्लाह सुबहान व तआला इज टीचिंग समथिंग टू अस, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं एक ही वाक्य के। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है, और ये है पॉसिबिलिटी नहीं, ये रियलिटी है कि एक चीज अगर यहां पर कुछ होता है, अभी हम लोग यहां 30, 35, 40 लोग बैठे हुए, वो जो इफेक्ट होगा हर एक पर वो सबके लिए अलग अलग हो। किसी के लिए एक चीज नेचुरल डिजास्टर है, वही चीज किसी और के लिए अजाब है, वही चीज किसी और के लिए इम्तिहान है, वही चीज किसी और के लिए कोई और टेस्ट है। एक ही चीज मल्टीपल रीजन से हर एक को अपने अपने तौर पर इफेक्ट करती है, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि आप कहें कि इसके बाद के लिए कोई लाइफ है, तो मैं आपकी उसकी सिंपल सी बात करता हूं। आप किसी भी चीज को कहे ना कि इज इट पॉसिबल कि वो हो, उसके लिए तीन स्टेप्स होते हैं, थ्री स्टेप्स। सबसे पहले तो कि उसकी पॉसिबिलिटी भी है कि नहीं, फर्स्ट, देन सेकंड, क्या उसकी कोई एग्जांपल है या नहीं, कैसा हुआ है, एंड थर्ड, क्या उसके बीच में कोई बैरियर तो नहीं है कि अगर वो काम होने लगे तो कोई बैरियर आ जाए और चीज रुक जाए। ठीक है, इसको फिलोसफिकल डिस्कशन से मैं निकाल के सिंपल एग्जांपल में लेकर आता हूं। लेट्स से मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ये कहूं कि कल मैं आया यहां पीएसवी में,
कल का मतलब है कि टुमारो। अगर मैं आऊं और मैं आप सबको ये बताऊं, एसएन भाई को ये बताऊं कि आप सबको ये बताएं कि यहां पर सडनली एक एयरपोर्ट बन गया पीएसवी के अंदर, तो नोबडी विल बिलीव, केवल ये क्या पागलपन की बात है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। यस इसीलिए ऊपर रहते हैं आप। भाई एक ऐसा बच्चा होना जरूरी है डिस्कशन में जो सबको सही बात बताए। आपका नाम क्या है बेटा? जॉन। तो जॉन इसलिए ऊपर रहते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट कहाँ बना है और कहां से प्लेन जाता है और कहां से आता है। दैट्स वेरी गुड बेटा। और तो एक चीज ऐसी कि जिसकी पॉसिबिलिटी ही ना हो, आप कहेंगे ये बात है ये फेक, ऐसा हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, बात ही खत्म हो जाएगी। क्या एक चीज जो मर जाए या खत्म हो जाए उसके बाद दोबारा जिंदा हो जाए, उसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको या कोई एग्जाम्पल आपको नजर आती है इस वक्त इस करंट वर्ल्ड में? एक एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने दी हमारे लिए और एक एग्जाम्पल दी है नेचर के लिए। हमारे लिए पता है क्या एग्जाम्पल दी है? स्लीप। अल्लाह ने कहा ये जो तुम सोते हो ना स्लीप, सो के दोबारा उठते हो, ये क्या है? ये है काइंड ऑफ ये कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हम तुम्हारी जो सोल है उसको निकाल लेते हैं टेम्पररी जब तुम सो रहे होते हो, और देन अल्लाह सुब्हानहु व तआला पुट्स इट अगेन इन अवर बॉडी, तमूतून कमा तनूमून, तुम ऐसे ही मर जाओगे जैसे कि सोते हो और वैसे ही उठोगे जैसे कि अभी सो के उठते हो। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि जो हमारे पास एवरी नाइट रिपीट होती है। दूसरी जो इसकी एग्जाम्पल है वो क्या पता है? ये जो सारे ट्रीज है ना, ये ऑटम में क्या होता है? ऑटम में क्या होता है ट्रीज पर? तो लीव्स फॉल होते हैं, वो मर जाते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं ना, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, देन यू सी कि अगेन वो वापस आ जाते हैं। ये क्या है? ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि एक चीज जो खत्म हो जाती है उसके बाद दोबारा जिंदा होती है। तो अल्लाह ताला ने एक फिनोमिनन रखा है और अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल कुरान में देकर कहा कज़ालिकन नुशूर, जैसे ये लीव्स खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा होते हैं, हम तुमको ऐसे ही उठाएंगे वापस। तो एक पॉसिबिलिटी अल्लाह ताला ने दिखाई है हमको अपने आसपास। फिर उसके बाद हजरत उजैर का वाकया, हजरत उजैर का वाकया किसी को पता है? कुरान में जो है 100 साल तक के लिए क्या हुआ था? हजरत उजैर, हाँ वो हजरत खिजर का है शायद। हजरत उजैर का क्या वाकया था आप इस किसी को पता? हजरत उजैर, हजरत उजैर का नाम सुना है किसी ने? आपको ये नहीं पूछ लेना उनका इंस्टा पे कौन सा अकाउंट है। हजरत उजैर एक नबी थे जी। हजरत उजैर एक नबी थे कि जो जा रहे थे एक जगह से, उन्होंने देखा कि एक पूरी बस्ती है, पूरे यानी लोगों का एक एरिया है जो सब डिस्टर्ब हो गया, तबाह हो गया है। तो हजरत उजैर ने कहा कि ए अल्लाह तू उसको दोबारा कैसे जिंदा करेगा, क्या होगा? अल्लाह ताला ने सुला दिया हजरत, मैंने इसीलिए आपको स्लीप की मिसाल, नींद की मिसाल दी थी। अल्लाह ताला ने हजरत उजैर को सुला दिया। कितना सुलाया था अल्लाह ताला ने? फॉर 100 ईयर्स। 100 ईयर्स तक सोते रहे। जब 100 ईयर्स के बाद उठे तो अल्लाह ताला ने पूछा कितना आप सोए, तो क्या बोला उन्होंने? क्या एक दिन या उससे भी कम? और उनके पास जो खाना रखा हुआ था ना वो बिल्कुल फ्रेश था। अच्छा जो खाना है अगर आप उसको फ्रिज में ना रखें तो मैक्सिमम में लगा तो मैक्सिमम 1 वीक तक वो रहेगा, 1 वीक के बाद खराब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वीक पे जो खाना खराब हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद जो खाना खत्म खराब हो जाता है वो 100 ईयर्स तक रहा। 100 ईयर्स में कितने वीक्स आएंगे? 1 साल में कितने होते हैं? 5,200 वीक्स। 52 एक साल में, 5,200 है 100 ईयर्स में। अल्लाह ताला ने वो काम के जो 1 हफ्ते में हो सकता था खराब हो जाता वो खाना, अल्लाह ताला ने उसको प्रोलॉन्ग किया 5,200 वीक्स तक। जैसे अल्लाह सुबहान व ताला कैन डू। तो ये एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने दिए कि हम चाहें तो किसी को सुला के रखें 100 ईयर्स तक, उसके बाद वो उठे वो कहेगा कि मैं एक दिन सोया हूं, और उसके सामने जो खाना है वो फ्रेश होगा, लेकिन साथ में एक और चीज क्या था? डोंकी था। वो क्या हो गया? उसका क्या था?
सॉरी आई कांट हेयर यू. उसकी बोन्स का क्या हुआ था? सही सही बोल रहे थे आप. या इस डोंकी वाज अलाइव? डाइड. कौन डोंकी या वो? ऐसा मिक्सअप समझा. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तौबुल. या माशाल्लाह माशाल्लाह सही हजरत. अच्छा इसी तरह से वन लास्ट पॉइंट, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी एक दफा उनको जहन में क्वेश्चन आया बिकॉज एक डेड बॉडी थी जिसका हाफ पार्ट जो था वो सी में था, हाफ पार्ट जो है वो उसका जमीन पे पड़ा हुआ था. उसके हाफ पार्ट को फिशेस जो है आके खा रही थी, उसके हाफ पार्ट को जो और एनिमल्स थे वो लैंड के जो एनिमल होते हैं वो आके खा रहे थे, और उसके कुछ हिस्सों को आसमान से कुछ बर्ड्स आके वो खा रहे थे. तो थ्री सेपरेट जगहों पर जो है ना उसका फ्लैश जा रहा था, कुछ सी में जा रहा था, कुछ जो है ना वो लैंड के जो एनिमल्स थे वो खा रहे थे, कुछ बर्ड्स आके खा रहे थे. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तू उनको कैसे जिंदा करेगा, क्या करेगा? तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा था कि आप फोर बर्ड्स लें, उसको ज़िबा करें, और उसको ज़िबा करने के बाद आप उसके फ्लैश को मिक्स कर दें और उसको अलग अलग जगह रख दें, और उसके बाद बुलाएं सुम्मत ओ होना या अतीना कसाया, ये कुरान है कि कॉल देम. तो कॉल देम का मतलब है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर से शाउट किया पीकॉक. वो जोर से जैसे उन्होंने बोला तो वो सारा उसका जो फ्लैश था वो मिक्स होकर आया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास. उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि हम इस तरह से तुमको जिंदा करेंगे. तो एक इसकी एग्जाम्पल भी दी अल्लाह ताला ने कि एक शख्स आता था रसूलुल्लाह के पास, तो जो बोन्स होती थी ना वो उन बोन्स को जो बहुत पुरानी बोन्स होती थी उसको वो चूरा करके और उसका हवा में उड़ा देता था. उसको कहता था कि ये अल्लाह ताला कैसे, अगर अल्लाह है तो वो कैसे जिंदा करेगा, ये सारी बोन्स तो खत्म हो गई. तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, सूरह यासीन जो यहाँ हर शबे जुमा पढ़ते हैं, कुल युहयी अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, ये वही जिंदा करेगा कि जिसने फर्स्ट टाइम इस बोन को खल्क किया था. जिसने फर्स्ट टाइम किया था उसके लिए सेकंड टाइम तो कोई मुश्किल नहीं और इजी है. इसकी एग्जांपल ऐसी है कि यहां पर अगर कोई आयरन पीसेस पड़े हो, कोई लेके जाए वहां से और हेलीकॉप्टर बना के लेकर आए आपके पास, उसके बाद अगर वो ये कहे कि अगर इसमें हेलीकॉप्टर को खोल के दोबारा उसको ज्वाइन कर दूं, तो आप कहें नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है. वो कहेगा जब कुछ भी नहीं था तो मैंने बना दिया, तो मैं खोल के दोबारा ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है? तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जब हमने तुमको पहले बनाया हुआ है तो तुम खत्म भी हो जाओ तो दोबारा जिंदा करने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं कर लेंगे. तो जी एक सवाल है क्वेश्चंस के, वी से के गॉड्स फॉरएवर, नो स्टार्ट नो एंड. तो एक सवाल ये आता है कि भाई अगर गॉड ने हमको बनाया है तो गॉड को किसने बनाया? तो इसका किस तरह जवाब? इसके एक सिंपल एग्जांपल ये है कि टी इज स्वीट बिकॉज ऑफ शुगर एंड शुगर इज स्वीट बिकॉज ऑफ, मिसाल के तौर पर वो जो शरबत है जहीं का जो भी है उसमें आपने हनी डाल दिया तो दैट इज स्वीट बिकॉज ऑफ हनी, हनी इज स्वीट बिकॉज ऑफ बिकॉज के बीस की वजह से. आप तो ऐसे बोल रहे जैसे बीस को खुद ही आपने टेस्ट किया हुआ कि बीस की वजह से स्वीट है. बड़े मजे. ये मैंने खाली एग्जांपल दिए समझाने के लिए. कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो उसकी जात का खुद हिस्सा होती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द थिंग. स्वीटनेस इज अ पार्ट ऑफ हनी, आप उसको जुदा नहीं कर सकते स्वीटनेस को हनी से, देन दैट मींस कि वो हनी नहीं है. इसी तरीके से अल्लाह सुभानहू व तआला एक ऐसे जात को आपको मानना पड़ेगा कि जिसका कोई स्टार्ट ना हो, हमेशा से और हमेशा रहेगा, बिकॉज के वजूद को आप उसकी जात से अलग नहीं कर सकते. वो है तो सब कुछ है, यानी दैट मींस कि अगर टी स्वीट है तो शुगर की वजह से, तो अगर हम सब हैं और पूरी कायनात है तो उस एक वजूद की वजह से, आप उसको उस वजूद से अलग नहीं कर सकते. जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये फायर है, ये फायर जो है यहां पर इसमें हीट है, तो ये फायर जो हीट है इसमें, अब अगर कोई कहे कि भाई फायर में जो हीट है वो हीट जला देती है, मैं कहता हूं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये हीट रखी किसमें, किसने इस फायर में और उसमें कहां से आई है? आपको एक एंड पे जाना पड़ेगा कि जिसने ये ताकत रखी है कि फायर जला दे, विजय अल्लाह सुभान व तआला. इसी तरीके से जब ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ तो हो सकता है कि वही केमिकल रिएक्शंस हो, उसी तरीके से आहिस्ते आहिस्ते इवॉल्व करके बाद आगे हो, लेकिन ये सब कुछ हो किसके एजेंट से रहा था, कौन ये कर रहा था,
अल्लाह सुभान व तआला, बिकॉज अगर वो ना हो तो ये जी 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 बोले ये जो नेचुरल डिजास्टर होता है ना उसमें, खैर हर नेचुरल डिजास्टर पे तो नमाजें आयात नहीं वाजिब होती, सूरज गिरन और चांद गिरन यानी सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स पे होती है और अर्थक्वेक पर होती है, और वो भी हदीस में आया है कि दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ कयामत, क्योंकि कयामत में ऐसे ही होने वाला है कि वो कंप्लीटली सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स होकर सब सारी रोशनी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स वाई उस वक्त जैसे ही ये अल्लाह ताला की एक निशानी सामने आती है तो आप अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला को याद कर सके और उसके जरिए से आप डे ऑफ जजमेंट को याद कर सकें कि अभी टेम्पररी है ऐसा, जब डे ऑफ जजमेंट होगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा। जन अल्लाह ताला ने कहा कि शम्स कुव्विरत, कुरान में अल्लाह ताला ने शम्स कुव्विरत का मतलब यह है कि हम सूरज को लपेट देंगे, लपेट देंगे का मतलब यह है कि मतलब उसको रैप कर देंगे। अब आप सोचें कि इतना बड़ा जो है वो सन अल्लाह ताला सुभान व तआला के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ताला ने कहा उसको रैप कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो सन विल बी रैप्ड बाय अल्लाह सुभान व तआला बिफोर द डे ऑफ जजमेंट। तो बेटा उस एग्जाम्पल को मैं फिर से एक दफा रिपीट कर दूं कि हम कहते हैं कि आग जो है वो जला देती है, लेकिन इस आग में जलाने की ताकत किसी ने रखी है, अगर वो ताकत रखने वाला ना हो तो ये इसमें सलाहियत नहीं आएगी, दैट्स व्हाट वी बिलीव। मेरे ख्याल में इतना काफी है, चले मेरी बस हो गई अब, है ना, क्या कहते हैं बच्चों करने दें यार।